subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉकडाउन में जिन रिक्शा चालकों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनके लिए आवाज उठाएगी नरसिम्हा कारगर यूनियन और उनके हक की लड़ाई लड़ेगी, किसी भी हालत में उनको न्याय जरूर दिलाएगी। नरसिम्हा कामगार यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन महापौर के हाथों किया गया। देखिए काशिफ जैदी की यह रिपोर्ट। क्या होगा जिस तरह से राज्य सरकार ने 9,500 रिक्शा चालकों की लाइसेंस सस्पेंड किया है, आपकी संस्था किस माध्यम से उनको अपना हक और उनका लाइसेंस दिलाने की गुहार लगाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सभी दर्शकों को हमारे कामगार यूनियन की तरफ से दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलके और हमारी टीम मिलके नरसिम्हा जनरल कामगार यूनियन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से इसका गुहार लगाएंगे कि हमारे जितने रिक्शा चालक गरीब भाई हैं इनके हक के लिए हम लड़ेंगे और लॉकडाउन में जो इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है हम उसके लिए पुरजोर आवाज उठाएंगे और जोरों से इस पे काम करेंगे। सर आपकी सवाल यह है कि आपकी संस्था से जुड़ने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम हक के लिए लड़ेंगे गरीबों के लिए और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लोग किस तरह से जुड़ना चाहिए क्योंकि लोगों का ऑप्शन नहीं रहता, कई संस्थाएं खाली यूज कर लेती है। नहीं, नरसिम्हा एक तो हमारा भगवान का नाम है और हम भगवान के माध्यम से और उनका आशीर्वाद लेते हुए हम गरीबों के लिए ही ये संस्था बनाए हैं और कामगारों के लिए ही लड़ेंगे और कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। नरसिम्हा जनरल स्थापना हुई है, आप किस तरह से शुभेच्छा दोगे और उनकी काम अभी काम को किस तरह से पढ़ाव में लेके यहाँ मीरा भाईजन में काम करने की शक्ति को आप पूरी इंटरनल टीम को क्या किस तरह का शुभेच्छा यही बोलना है कि कामगार है तो देश है तो हम लोग किसी तरह से प्रगति के लिए। आपका पूरा नाम और आप कौन से वार्ड? मैं दीपाली मुखर्जी वार्ड नंबर 7 से ईश्वर से फोन होता है तब ना। कामगार यूनियन की स्थापना हुई, आप मार्गदर्शक हो और एडवोकेट होने के नाते किस तरह से सामाजिक न्याय लोगों को कामगारों को दिलाने का प्रयास होगा आज? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कामगारों को और रहीवासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आज के इस शुभ दिन पर नरसिम्हा जनरल कामगार यूनियन का ये ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और आज के दिन से जिस तरीके से दशहरा कहा जाता है कि पाप का अंत हुआ था, रावण को मारकर राम जी आज के दिन वापस आए थे, तो उसी तरीके से जो भी हमारे कामगारों को जो विषय है, जो उनके जीवन में जितने भी दुख है, जो भी परेशानियां है या जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन सभी का समाधान आज के दिन से नरसिम्हा जनरल कामगार यूनियन के माध्यम से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई भी कामगार हो, किसी भी क्षेत्र के हो, नरसिम्हा जनरल कामगार यूनियन उन सभी को न्याय दिलाने में, उन सभी का हक दिलाने में अग्रसर रहेगी और पूरी कोशिश करेगी कि सभी कामगारों को उनका न्याय मिले। धन्यवाद।
लेकिन लॉकडाउन में सर राज्य सरकार ने 9,500 जो रिक्शा चालक थे उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, राज्य सरकार से क्या पूछा रखते हैं आप, उनको लाइसेंस दिलाने का हक दिलाए? नहीं बिल्कुल, हम राज्य सरकार से जो भी RTO विभाग है इन सभी से हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे पत्र व्यवहार करेंगे और हमारी जो उचित मांग है वो रिक्शा चालकों के हित में हम लोग रखेंगे। और इसके लिए अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़े या कोई भी हमें सरकार के पास में भी कोई भी गुहार लगानी पड़े तो हम लोग संस्था के माध्यम से जरूर करेंगे। मैं एडवोकेट रवि व्यास, मैं इस संस्था के अंदर सलाहकार के रूप में हूँ। मैं नरसिम्हा जनरल कामगार से अभी जुड़ा हूँ, मेरा अभी पोस्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है। अभी जो हमारे संस्थापक अजय सिंह राजपूत है वो डिसाइड कर रहे हैं कि युवा में मुझे पोस्ट देने के कोशिश में लगे हैं। संस्था से जुड़ने के लिए लोगों को क्या प्रयास? मैं मीरा भाईंदर के सभी युवा को यही बोलना चाहता हूँ कि यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नरसिम्हा जनरल कामगार के से जुड़ो और युवा की जो भी तकलीफी है वो हमारे यहाँ पे हम 100% बोल सकते हैं कि वो हम क्लियर कर सकते हैं।